कवाली बुनियादी तौर पे जहाँ तक मैं समझ पाया, इस ख़ास तौर पे हमारे खत्ते में कवाली का जो चलन चला, ये उस दौर में रिवाज पाना शुरू हुआ जब आवाम और लोग शायरी की तरफ रुझान रखते थे, मौसीकी की तरफ रुझान रखते थे। अब अनडाउटेडली मौसीकी तो हमेशा से इंसान को फैसिनेट करती आई है। मौसीकियत हर इंसान के अंदर होती है और इंसान फैसिनेट भी होता है, उससे लगाव भी होता है। और बुज़ुर्गों की फरासत ये थी कि उन्होंने उस शायरी और उस मौसीकी के इम्तिजाज को इल्हामी पैगाम पहुंचाने का ज़रिया बनाया। कवाली वो है। कवाली कहीं पे भी, अगर आप कवाली की किसी भी ज़ुबान की कवाली, किसी भी ट्रेडिशन, किसी भी खत्ते की कवाली को उठा के देखें, तो कवाली हमेशा रब्बानियत और वादानियत के गिर्द घूमती है, तस्करा करती है। कवाली के अंदर जो कलाम गाया जा रहा होता है वो तस्करा करता है अल्लाह का और अल्लाह से मोहब्बत का, रसूल का और रसूल से मोहब्बत का, और औलिया इकराम का, उनकी ज़िंदगियों का, उनकी जो वाइस सेइंग्स हैं उनका। फिर यही ट्रेडिशन एकोमोडेट करता है उस तमाम पोएटिक काम को जो सूफिया ने किया। अच्छा, सूफिया का पोएटिक काम बड़ा मज़ेदार है। सूफिया के पोएटिक काम बुनियादी तौर पे जो मुकद्दस सहीफ़े हैं, उन मुकद्दस सहीफ़ों को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम है। मैं अपने मज़हब से आपको, अपने दीन से मिसाल देता हूँ कि कलाम पाक अरेबिक ज़ुबान में है, कलाम पाक की जितनी सेंग्स हैं वो अरेबिक में हैं, और अरेबिक हमारे ख़त्ते की ज़ुबान नहीं थी। यहाँ पर चंद ख़वास या चंद उलमा का तो अरबी से वास्ता रहा होगा, लेकिन आम पंजाबी बोलने वाले का, आम सराइकी बोलने वाले का, तमिल बोलने वाले का, कांडा बोलने वाले का, बंगाली बोलने वाले का, इनका अरबिक ज़ुबान में वो शुद्ध-बुद्ध नहीं थी कि ये उसको उस पैगाम की रूह तक को समझने की कोशिश कर पाते। सूफिया ने उस सारे के सारे विजडम को लोकलाइज़ किया, उस लोकलाइज विजडम को म्यूज़िक का तड़का दे के कवाली की सूरत में आमतुल मुस्लिमीन या आम लोगों तक पहुंचाया। और उन लोगों ने उसे, चूँकि उनकी ज़ुबान में थी, वो उसके साथ एकदम रिलेट करते थे अपने आप को, और मैसेज इल्हामी था, ज़ुबान उनकी थी, बड़े आराम से रिलेट करते थे और अपने आप को कनेक्ट करते थे। और इस मौसीकी के और शायरी के जो रुझान के साथ लोगों की एसोसिएशन थी, उसको बड़े अच्छे और एहसान अंदाज में सूफिया इकराम ने उस वक्त इस्तेमाल किया, और फिर वो एक ट्रेडिशन शुरू हुआ जो आज भी जारी और सारी है। अब मॉडर्न टाइम में अगर आप देखें तो मैं बल्कि देखता हूँ, अभी कोक स्टूडियो में बहुत सा कलाम उन्होंने रिप्रोड्यूस किया और बड़ा आला रिप्रोड्यूस किया। हमारे दोस्त कुछ हैं जो सुर सास के हवाले से उस पर एतराज़ात भी करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज की जनरेशन के लिए उस वो रिप्रोडक्शन बड़ी कमाल है। और आज ज़ुबान ज़द आम कवालियाँ हुई पड़ी हैं, नातियाँ कलाम हुआ पड़ा है, और अच्छा लगता है वो सुन के, और मुझे खुशी होती है कि आज की जो नई जनरेशन है वो भी कवाली के पुराने ट्रेडिशन के साथ नए अंदाज़ में अपने आप को कनेक्ट कर रही है।